Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about World Fisheries Day. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view and it is also useful from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. तो so, सबसे पहले समझते हैं इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट दिस आर्टिकल हैज़ कम इन टुडे इज़ न्यूज़ पेपर बिकॉज टूडे इज़ वर्ल्ड फिशरीज़ डे टुडे ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड्स फिशरीज़ डे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिशरीज से रिलेटेड हमें याद रखने चाहिए कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए फिशरीज से रिलेटेड तो उसके कुछ सिग्निफिकेंस हम लिख सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द आंसर फॉर एग्ज़ाम्पल फिशरीज़ और फिशेज आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइट प्रोटीन दुनिया का जो भी प्रोटीन कंजम्पशन हम लोग करते हैं उसका 25 परसेंट जो सोर्स है उस प्रोटीन का दैट कम्स फ्रॉम फिशेस और द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द फिशेस उसके अलावा इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लगभग 58 मिलियन पीपल यानी कि लगभग 6 करोड़ के आसपास लोग जो हैं दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फिशरीज सेगमेंट खासकर जो गरीब देश हैं एशिया और अफ्रीका देश के लोग वहां में ये फिशरीज एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिगार्डिंग लाइवलीहुड जनरेशन अब इंडिया का क्या स्टेटस है वर्ल्ड स्केल पे इन फिशरीज सेगमेंट वो भी जरा समझते हैं तो देखो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है आज फर आज फिशरी प्रोडक्शन इज़ कंसर्न पहले नंबर पे चाइना है लेकिन इंडिया और चाइना वैसे तो चाइना पहले नंबर पे इंडिया दूसरे नंबर पे है लेकिन चाइना इंडिया से दस गुना ज़्यादा फिश प्रोड्यूस करता है तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है चाइना की प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और इसलिए इंडिया को इस आर्टिकल में लिखा कि अपनी वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल फिशिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए देखो हॉरिजॉन्टल फिशिंग कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में वो फिशिंग करें और वर्टिकल फिशिंग कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीप फिशिंग हम कर सकें अगर हमें चाइनीज कैपेसिटी को मैच करना है तो लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर फिशिंग से काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है फॉर एग्जांपल लगभग 14 से 15 मिलियन लोग जो हैं यानी कि डेढ़ करोड़ लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर फिशीज फिशरीज़ में डायरेक्टली इंगेज हैं दे गेट देयर लाइवलीहुड फ्रॉम दिस सेक्टर उसके अलावा फिशरीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे जी में लगभग वन है इट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर और इसका एक्सपोर्ट से भी काफ़ी अर्निंग होती है हर साल लगभग हमारी लगभग थर्टी करोड़ की अर्निंग फिशरीज को एक्सपोर्ट के होती है अब अगर आसाम के अंदर बात की जाए तो देखो आसाम के अंदर फिशरीज़ की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है कई सारी नदियाँ आप सबको पता है तो इस कारण से फ्रेश वाटर फिशेज काफ़ी ज़्यादा आसाम में पाए जाते हैं और आसाम की ओवरऑल लगभग प्रोडक्शन है थ्री मिलियन किलोग्राम और दैट इज़ ऑलमोस्ट सफिशेंट इनफ टू मीट द कैपेसिटी मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पर कैपिटा फिशरीज इन आसाम देखो इन जनरल माना जाता है कि एक इंसान को पर कैपिटा जो फिशरीज uh, up. अवेलेबिलिटी होनी चाहिए दैट शुड बी समवेयर क्लोज टू 15 किलोग्राम पर ईयर कम से कम साल में 15 किलोग्राम फिशेज एक इंसान को अवेलेबल होना चाहिए और आसाम के अंदर जितनी फिशेज प्रोड्यूस होती हैं दैट इज ऑलमोस्ट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट आसाम के अंदर खासकर एक और इंपॉर्टेंट चीज है पॉपुलर चीज है रिगार्डिंग फिशरी जो आपको जानना चाहिए जागी रोड जो जा एरिया है दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट देखो ड्राई फिश में करते क्या है कि उसके अंदर के पानी को निकाल लेते हैं और फिशेज को सुखा देते हैं अंडर द सन इससे होता है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है मतलब जल्दी वो फिश खराब नहीं होता कोई भी चीज अगर गीला हो उसके अंदर पानी लगा हो तो वो जल्दी खराब हो सकता है क्योंकि उसमें बैक्टीरियल एक्शन ज्यादा स्ट्रांग तरीके से होते हैं लेकिन उसको सुखा दिया जाए उसके वाटर को निकाल दिया जाए तो ज्यादा टाइम तक उस सेल्फ लाइफ रहती है जल्दी खराब नहीं होता है और जाकी रोड पॉपुलर है फॉर ड्राई फिश मार्केट इट इज कंसिडर टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट अब देखते हैं कुछ चैलेंजेज जो फिशरी सेक्टर हमारे देश में फ़ेस कर रहे हैं तो देखो सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया भर में फिशरी सेक्टर एक चैलेंज फेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट और यूएन रिपोर्ट ये भी कहता है कि लगभग टू थर्ड फिशरीज पॉपुलेशन पिछले चार चालीस सालों में कम हो गई है तो जो भी पॉपुलेशन थे फिशज़ की चालीस सालों में लगभग दो तिहाई टू थर्ड खत्म हो गई है डिस्ट्रॉय हो गई है और उसके पीछे कारण है अनसस्टेनेबल फिशरीज प्रोडक्शन हम काफ़ी फास्ट तरीके से फिश का कंजम्पशन कर रहे हैं फिशरीज एक्टिविटीज़ में इंगेज हो रहे हैं वो अनसस्टेनेबल लेवल है मतलब जिस रफ्तार से फिश की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे काफ़ी ज़्यादा तेजी से हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं सो दैट इज़ वन रीज़न बिहाइंड डिक्रीजिंग फिशिंग और फिशज पॉपुलेशन जो दूसरा कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशेज जो फिशेज का ओवरऑल उनका हैबिटेट है देखो फिशेज भी अपना घर बनाती है आप समझ लो तो एक उनका भी एक इकोसिस्टम होता है ऐसा नहीं कि हर वक्त वो पानी में रहते हैं और फिशेज पॉपुलेशन ओवरऑल सीज टू एग्जिस्ट धीरे धीरे वो मरने लगती है और हम लोग कुछ एक अनसाइंटिफिक फिशिंग एक्टिविटीज ले रहे हैं कर रहे हैं आजकल जैसे कि ट्रॉलर फिशिंग या डायनामाइट फिशिंग जिस कारण से फिशेज की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है सो दीज आर सम अनसाइंटिफिक फिशिंग एक्टिविटी और फिशिंग मेथड ट्रॉलर फिशिंग आप देखो वो काफ़ी अनसाइंटिफिक है उससे फिशेज के हैबिटेट को नुकसान होता है ट्रॉलर फिशिंग आपको इस इमेज की मदद मतलब से समझ आ जाएगा दो बड़े बोट होते हैं उसके बीच में इस तरह का एक बड़ा सा लार्ज साइज नेट लगा दिया जाता है और ये नेट जैसे जैसे चलता रहता है फिशेज उसके बीच में पकड़ी जाती हैं कैच की जाती हैं और बाद में फिर इन फिश को लेकर के सेग्रीगेट किया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉलर फिशिंग ये जो बड़ा सा नेट है इसको कहते हैं ट्रॉलर अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये ट्रॉलर चलता है तो इस तरह के जो भी इकोसिस्टम है जो भी हैबिटेट्स हैं फिशेज के उसको तोड़ देता है ब्रेक करते हुए चलता है दैट इज़ वाई ओवरऑल ट्रॉलर फिशिंग लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशेज हैबिटेट एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू डिक्रीज इन फिशेज पॉपुलेशन दूसरा है डायनामाइट फिशिंग इट इज ऑल्सो वेरी हाईली अनसस्टेनेबल अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ फिशिंग डायनामाइट फिशिंग में जो फिशरमैन होते हैं मछुआरे वो क्या करते हैं छोटे छोटे एक्सप्लोसिव डायनामाइट एक्सप्लोसिव आप जानते हैं डायनामाइट एक तरह का एक्सप्लोसिव होता है एक तरह का बम होता है विस्फोटक पदार्थ होता है इस एक्सप्लोसिव को लेकर के पानी में इस तरह से फेंक देते हैं जब एक्सप्लोसिव को या पानी में फेंक देते हैं तो एक्सप्लोड करता है डायनामाइट जब एक्सप्लोड करता है तो उस एक्सप्लोजन के कारण मछलियाँ मर जाती हैं और फिर इस मछलियों को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं कलेक्ट करके ले आते हैं लेकिन इस प्रोसेस में फिर से उनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाती है और लॉन्गर रन में वापस से मछलियों का पॉपुलेशन रिवाइव नहीं हो पाता तो दीज आर टू मेन प्रॉब्लम्स ट्रॉलर फिशिंग एंड डायनामाइट फिशिंग दैट इज लीडिंग टू तो डिक्लाइन इन फिशिंग पॉपुलेशन इन प्रेजेंट टाइम इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेकेंड फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट टॉक्स अबाउट बुकर प्राइज दिस टॉपिक इज ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंटरनेशनल एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू सो सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी का यानी कि इस साल का बुकर प्राइस दे दिया गया है एंड इट हेज बीन गिवेन टू राइटर फ्रॉम स्कॉटलैंड मिस्टर डगलस टूअर्ट फॉर हिज नॉवल शुगी बेन अब इस नाम को आप याद रखेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ये जो नोवेल है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला है इट वाज़ हिज फर्स्ट नोवेल और पहले नोवेल में इनको बुकर प्राइज मिल गया है दिस नोवेल डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अ बॉय हुज मदर वाज़ स्ट्रगलिंग फ्रॉम ड्रग एडिक्शन अब बुकर प्राइज के बारे में कुछ समझ लेते हैं देखिए बुकर प्राइस को स्टैब्लिश किया गया था इन 1969 अब ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बुकर प्राइज इज गिवन ओनली फॉर इंग्लिश लिटरेचर ये सिर्फ़ इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में ही दिया जाता है और इसके अंदर एक एलिजिबिलिटी भी है कि जो भी नोवेल जिसको बुकर प्राइज़ दिया जाता है इट मस्ट बी ओरिजिनली रिटेन इन इंग्लिश वो ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि हिंदी में कोई नोवेल लिखी गई है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया उसको बुकर प्राइज नहीं मिल सकता दैट नोवेल मस्ट बी ओरिजिनली रिटेन इन इंग्लिश और उसके अलावा उस नोवेल को यूके में या आयरलैंड में ज़रूर पब्लिश होना चाहिए अगर वो यूके के आयरलैंड में पब्लिश नहीं होगी तो फिर उसको बुकर प्राइज़ नहीं मिल सकता ऑथर किसी भी देश का हो सकता है लेकिन उसकी बुक यू के आयरलैंड में ज़रूर पब्लिश होनी चाहिए और बुकर प्राइज़ में जो विनर होता है उसको फिफ्टी थाउजेंड पाउंड का प्राइस दिया जाता है जबकि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उन सबको 2,500 का पाउंड का प्राइस मनी दिया जाता है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो बुकर प्राइस देती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मैन ग्रुप एंड बुकर प्राइस फाउंडेशन इस टॉपिक से रिलेटेड एटमैक्स आपसे इस साल का बुकर प्राइज विनर का नाम पूछा जा सकता है पीटी में या तो फिर आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि बुकर प्राइज इज गिवेन टू फॉर द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर फ्रॉम एनी लैंग्वेज दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग इट इज जस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर तो ये दो चीजें बस ध्यान रखेंगे पीटी में इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जा सकता है द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट इट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू वार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑफकोर्स दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू तो जरा समझते हैं ये आर्टिकल कहता क्या देखो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले चार सालों में वो दो लाख करोड़ खर्च करेंगे और पाँच हजार इस तरह के बायोगैस प्लांट सेटअप करेंगे जिसके मदद से जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो भी हमारे घर में किचन में वेस्ट जनरेट होते हैं उन सब की मदद से उन सब को कन्वर्ट किया जा सकेगा नेचुरल गैस में तो आने वाले टाइम में इट्स अ मेजर इन्वेस्टमेंट दो लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा और इससे होगा क्या लगभग इस तरह के बायो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स लगाए जाएंगे फाइव जिससे इन सारे डी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की मदद से नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया जाएगा तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा यहाँ पे ओवरऑल जो पेट्रोलियम या डीजल प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजम्पशन कम होगा उनके कंजम्पशन कम होते दो फायदे होंगे सबसे पहले तो इमीशन एयर पॉल्यूशन कम होगा ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कम होगा और हम जो अनसस्टेनेबल अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट वो भी कम होगा तो ओवरऑल हमारी ट्रेड डिफिसिट भी थोड़ी कम होगी विथ हेल्प ऑफ दीज प्लांट्स आने वाला एक्सपेंडिचर ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा है दो लाख करोड़ लेकिन इससे ये ये फायदे हो सकते हैं आने वाले टाइम में जरा समझते हैं इस प्लान के बारे में सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन नाम से आपको समझ आ रहा होगा सस्टेनेबल अल्टरनेटिव जो पेट्रोल डीजल है उसका ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है तो देखिए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया भारत सरकार लगभग पाँच हज़ार कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगी इन कमिंग फोर ईयर्स और इन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स में फॉरेस्ट वेस्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट इन सब को आराम से कन्वर्ट किया जाएगा नेचुरल गैस में एंड दैट नेचुरल गैस विल बी यूज्ड टू फ्यूल ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल्स में धीरे धीरे फिर पेट्रोल डीजल का कंजम्शन को कम कर दिया जाएगा और इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैस इमिशन और एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा द नेक्स्ट आर्टिकल टेकेंड फ्राम आसाम सेगमेंट इट इज अबाउट बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्या द मैन एंड द राइटर तो इस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर सिक्स आसाम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू सो बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्या साहब के बारे में समझते हैं

won for his assamese novel yarugi gum and in this uh, first assamese this was also first assamese novel to win sahitya academy award and he was also editor of magazine Ramdhenu. और Ramdhenu magazine ये फिर से आप याद रखना मेन्स में भी पूछा जा सकता है paper सिक्स में Ramdhenu magazine असर्ड western modernization in Assamese literature. तो Assamese literature में western literature का influence Ramdhenu magazine के बाद से ही बढ़ना शुरू हो गया और इसी कारण से इस Ramdhenu magazine के बाद वो जो period था जिसमें Assamese literature में western literature का influence देखा जाता है उस पीरियड को हम लोग राम धेनु एरा नाम से भी जानते हैं तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है द फीचर ऑफ राम धेनु एरा इज और चार ऑप्शन दे सकते उसमें जो सही ऑप्शन होगा इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर और वेस्टर्न मॉडर्निज्म इन आसमीज लिटरेचर और उसके अलावा इनकी कई सारी शॉर्ट स्टोरीज भी हैं जो काफी पॉपुलर हैं इस आज के आर्टिकल से हमने उठाए हैं वो कुछ नाम आपको याद रखना चाहिए आ, यहां पे हमने दे रखा है अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं करंट न्यूज है क्या तो करंट न्यूज ये है कि प्रदीप बरुआ हैज़ रिसीव्ड और हैज़ बीन अवार्डेड विथ बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य अवार्ड ऑफ 2020 प्रदीप बरुआ इज़ पब्लिशर एंड एडिटर ऑफ़ एस एम मैगजीन प्रांतिक प्रदीप बरुआ साहब ही सन ऑफ सिंह राधा गोविंद बरुआ कुछ पॉइंट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने चाहिए खासकर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने इस आर्टिकल से निकाला है फर्स्ट एस वुमेन टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड ऑज रईसोम गोस्वामी फर्स्ट एस टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड जतेंद्र नाथ द्वारा फॉर हिज बुक बोनफूल फर्स्ट एसमीज नोवल टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड यरिंगम आज ही आर्टिकल में हमने पढ़ा है फर्स्ट असमीज वुमेन टू विन साहित्य अकाडमी अवार्ड नलिनी बाला देवी फॉर अलकनंदा पोएट्री इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबाबल पी टी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग ए पी एस सी टू विल कवर टॉपिक नंबर टू हंड्रेड फाइव टू टू हंड्रेड सेवन टॉपिक नंबर टू हू फाइव इज अबाउट सेिल्पी दिवस सेल्पी दिवस इज सेलिब्रेटेड इन असाम ऑन सेवेंटीन जनवरी इन ऑनर ऑफ पोएट ज्योति प्रसाद अग्रवाला सेवेंटीन जनवरी इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला ज्योति प्रसाद अग्रवाला आज आप सबको पता ही होगा इज फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ असाम ग्रेट राइटर एंड ही इज ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ रूप कोंवर प्लीज एटेंट दिस क्वेश्चन दट इज बेस्ट ऑन टॉपिक नंबर टू हंड्रेड फाइव टॉपिक नंबर टू हंड्रेड सिक्स इज अबाउट सती साधनी सती साधनी वज द लास्ट क्वीन ऑफ चूटिया डायनेस्टी सी वॉज डॉटर ऑफ चूटिया किंग धरम ध्वज पाल सी वॉज बॉर्न इन सदिया एंड वॉज मेड टू नित्यपाल इन फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री अ होम किंग अ टैक्ड चूटिया किंगडम एंड किल्ड नित्यपाल रानी सती साधनी फॉट वेलियंटली बट सी वॉज़ डिफीटेड सी वॉज आश टू मैरी अ होम गवर्नर सदिया And then Rani Sati Sadhani jumped from Chandragiri Hills in 1524 but did not marry Satya governor. And since then, Sati Sadhani Devas is celebrated on 21st April every year in Assam in honor of sacrifices made by Rani Sati sadhani This is declared as a state holiday by Assam government and a new state university named Sati Sadhani Rajik Viswidhyala will has been opened or set up in Golaghat district. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 206 टॉपिक नंबर 207 इज अबाउट पुष्पलता दास शी वाज बोर्न इन 1915 इन नॉर्थ लखीमपुर टाउन शी पार्टिसिपेटेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में भी जरा समझ लेते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह वज लॉन्च बाय महात्मा गांधी ऑन ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर आफ्टर रिजेक्शन ऑफ ऑगस्ट ऑफर फॉर ब्रिटिशर्स बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज विनोबा वावे सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही जवाहरलाल Nehru and third Brahm -Dhat. please attempt this question that is based on topic number 207 this is the answer of question number 202 to 204 that we are given in yesterday's newspaper analysis today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section we will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं मिहिर परम सिद्धि प्रत्यूस दे आर कंप्यूटर्स एंड सेकंड क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइसर ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस इसमें जो पहला स्टेटमेंट था दैट वाज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इट हैज़ हैजिन लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द सेकंड स्टेटमेंट वॉज राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ वन प्रोडक्ट एंड वन डिस्ट्रिक्ट वॉज टेकन फ्रॉम उत्तर प्रदेश इट वॉज रेप्लीकेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी टू ओनली Lee. That's all from our side for today. Thanks for watching.